हेलो फ्रेंड्स, हम समझ रहे हैं कि जुडिशरी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम आईपीसी इंडियन पिनल कोड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें उसके बेसिक जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। जैसे इंडियन पिनल कोड कब एप्लीकेबल हुआ है, 1 जनवरी 1862 को एप्लीकेबल हुआ है, यानी कब बनकर तैयार हुआ था, तो ये 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हो गया था। अच्छा, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने इसको तैयार किया था। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 2018 वाला, तो वो कब एप्लीकेबल हुआ था, तो वो 21 अप्रैल 2018 को एप्लीकेबल हुआ था। एक और क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले वाला, वो तीन तरीके से पूछा जाता है। जैसे हु प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड, हु इज एसोसिएटेड विथ ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड, सो इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले। किसने इंडियन पिनल कोड का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था, तो इसका आंसर भी है लॉर्ड मैकाले। एक और तरीके से इसको पूछा जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी द इंडियन पिनल कोड, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इंडियन पिनल कोड को तैयार किया, सो उसका आंसर भी है लॉर्ड मैकाले। और तब ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, भारतीय संहिता किसके द्वारा तैयार की गई थी, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। अब अगर हम इसके सारे क्वेश्चनों को समअप करें, हम समझें, भारतीय दंड संहिता है वो 1860 में भारत के प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार की गई थी। प्रथम विधि आयोग कब स्थापित हुआ था, तो 1834 में स्थापित हुआ था, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, और भारतीय दंड संहिता की ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने ही की थी। इस संहिता को 1860 में गवर्नर जनरल द्वारा अनुमति मिली थी, 1862 से ये लागू हो गया था। इस तरीके से ये इंडियन पिनल कोड के बेसिक क्वेश्चन है। आगे भी हम इसी तरीके के क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग।